नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जोशना अवलकर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग M30S का मोबाइल है। इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, इस पे साउंड पे मीडिया साउंड वर्क नहीं करता है, लेकिन उसका रिंगर वर्क करता है। उसका माइक और उसका रिसीवर इस पे वर्क नहीं करती है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो पे इसका फॉल्ट कहाँ से है, इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास इसको सेंड किए है, उन्होंने हमको इसको CPU रिबल करने के लिए इसको हमारे पास भेजा है। आज हम इसको पहले ट्रेस करेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है, उसके बाद अगर हमारी सारी के सारी लाइन अगर ओके हो तो उस टाइम से हम CPU के ऊपर ध्यान देंगे। क्योंकि इसका लाइन तो जो माइक काम नहीं करता है और जो ईयर स्पीकर काम नहीं करता है, उसका लाइन तो CPU से आता है, वो बात सही है, लेकिन विदाउट ट्रेसिंग से हम डायरेक्टली CPU के ऊपर ध्यान देना ठीक नहीं है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इस पर क्या काम हुआ है। इस पर शायद CPU के ऊपर जो शील्ड है ये ओपन है, और इसका बैक साइड का जो पावर IC के ऊपर जो शील्ड होता है वो भी ओपन है। इसको पहले ऑन करके चेक कर लेते हैं और इसका प्रॉब्लम को पहले चेक कर लेते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है। ये तो मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो गया, इस पर कोई दिक्कत नहीं। और जो प्रॉब्लम हमारी है वो प्रॉब्लम को पहले चेक कर लेते हैं। ये वर्क सही हो रहा है, हमारी रिंगर का सेक्शन कम्प्लीटली ओके ही हमको लगता है। ये जो मीडिया के जो लाइन है वो हमको, ये देखिए ये येलो आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फिर एक बार इससे ये जो ऑरेंज कलर का लोगो हो जाता है, इससे हमको पता चल जाता है कि ये हेडफोन का प्रॉब्लम से जो हैंडसेट मोड हो जाते हैं, हेडसेट मोड उसका प्रॉब्लम से ये इस तरह से हो जाता है। काफ़ी दर A50 में इस तरह से आता है ये प्रॉब्लम, जो कि CPU के पास कुछ ट्रैक मिसिंग हो जाने की वजह से इस तरह से प्रॉब्लम होती है। ये जो मीडिया का लाइन, ये जो ऑरेंज कलर का टैब हो जाती है, ये कहीं से शॉर्ट की वजह से भी हो सकती है, या फिर हमारी लाइन मिसिंग की वजह से हो सकती है, या फिर हमारी CPU के कुछ लाइन्स मिस हो जाने की वजह से भी इस तरह से दिक्कत होती है। इस पर क्या होता है कि नोटिफिकेशन की जो साउंड होती है वो काम नहीं करता है, और सिस्टम की साउंड भी काम नहीं करता है, और इसका मीडिया का साउंड भी काम नहीं करता है, लेकिन उसका रिंगटोन कम्प्लीटली वर्क करता है। तो इसे हमको अभी ट्रेस करना है कि ये कहाँ से प्रॉब्लम है, और ये मोबाइल तो कम्प्लीटली ऑन है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं कि इसका प्रॉब्लम कहाँ से है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर छोटी सी भी फॉल्ट हो सकता है। अगर फॉल्ट कहीं से हमको नहीं मिला तो उस टाइम से हम CPU के ऊपर ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको माइक्रोस्कोप से हम चेक करते हैं कि इसका जितने भी वोल्टेज आना चाहिए हमारी ऑडियो कोडेड IC के पास, वो सब कुछ वोल्टेज हमारी आ रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ वोल्टेज कम्प्लीटली ओके है तो उस टाइम से हम CPU के ऊपर ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम चेक करते हैं। पहले दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कि इस पर क्या क्या काम हुआ है, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि इस पर कहाँ से दिक्कत हो सकती है। ये हमारी DC-to-DC कन्वर्टर IC के पास कुछ पेस्ट वगैरह लगी है, साथ उस पर कुछ हीट वगैरह लगी है, और इसका बैक साइड को चेक कर लेते हैं कि इसका बैक साइड से कितना हीट या फिर कुछ काम हुआ है कि नहीं। इसका बैक साइड पे तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, इसका बैक साइड सिर्फ उसका शील्ड ओपन है, उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। तो इसे हम चेक करेंगे अभी, इस पर जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से इसका प्रॉब्लम है अभी चेक करेंगे।
ये हमारी जो ALC ऑडियो कोडेड IC है, इस पे हमारी माइक या रिंगर दोनों ये IC के द्वारा काम करती है। सॉरी, माइक और रिसीवर, ये रिसीवर का दो लाइन ये IC से ही जाती है डायरेक्टली, और यहाँ से हमारी VDD 3.3 वोल्ट की लाइन से ये IC हमारी कम्प्लीटली वर्क करती है। जब तक ये IC को हमारी VDD 3.3 वोल्ट की लाइन अगर कम्प्लीटली नहीं मिल रहा होगा, तो इस कंडीशन पे हमारी रिसीवर और हमारी माइक वर्क नहीं करेगी। और यहाँ से 3.3 वोल्ट की लाइन यहाँ से हमारी IC के पास इनपुट होती है, और यहाँ से 2.7 वोल्ट की एक माइक बायोस के लाइन, जो कि माइक पे तीन लाइन होती है, एक माइक माइक की BIAS यानी कि माइक बायोस की लाइन है, और एक पॉजिटिव लाइन होती है और एक ग्राउंड, ये तीनों लाइन पे हमारी माइक वर्क करती है। जो कि 2.7 वोल्ट की लाइन यहाँ से डायरेक्टली ये IC से हमारी डायरेक्टली हमारी कनेक्टर की जो चार्जिंग कनेक्टर, जो हमारी सब बोर्ड की सॉरी मेन बोर्ड की कनेक्टर होती है, उस पे 1 2 3 4 5 6 7 इस लाइन पर हमारी 2.7 वोल्ट की लाइन है, जो कि माइक बायोस की लाइन है, और ये लाइन हमारी माइक पॉजिटिव का लाइन है। ये दोनों की सप्लाई हमको मिलना चाहिए, ये दोनों की जीआर वैल्यू यहाँ से होना चाहिए। अगर जीआर वैल्यू यहाँ से कम्प्लीटली आ रहा होगा, तो उस कंडीशन पे हमारी अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसको चेक करेंगे। लेकिन ये जो मीडिया का साउंड हमारी ऑरेंज कलर हो गया है, उस पर हम कंफर्म हो गया है कि ये हेडसेट का प्रॉब्लम से इस तरह से दिक्कत है, या फिर कहीं से शॉर्ट की वजह से इस तरह दिक्कत है। यहाँ से हमारी जो माइक की पॉजिटिव लाइन है, एक कैपेसिटर के थ्रू जो कि सीरीज में लगी हुई है, वो कैप के थ्रू हमारी वो 7 नंबर पिन जो आपको बताया था, उस लाइन पर 1 2 3 4 6 7 ए लाइन पर सॉरी ए लाइन पर उसका माइक का पॉजिटिव लाइन है, और यहाँ से उसका माइक का बायोस के पिन है, जो कि BIAS का लाइन है, वो उस IC के डायरेक्टली वो IC से ही आती है। अदरवाइज इस पर कुछ भी कनेक्शन अदरवाइज यहाँ से या फिर अदरवाइज कहीं से भी उसका कनेक्शन नहीं है। और जो 1.8 वोल्ट की लाइन ये है, उसका 1.8 वोल्ट VDD 1.8 वोल्ट की लाइन, और ये 3.3 वोल्ट की लाइन, ये दोनों लाइन दोस्तों डायरेक्टली पावर IC से आती है, अदरवाइज ये वोल्टेज में किसी का भी कनेक्शन नहीं है। अगर ये दो वोल्टेज हमारी मिसिंग हो तो भी सेट कम्प्लीटली ऑन होगा, लेकिन ये हमारी माइक या रिंगर काम नहीं करेगी। तो पहले हम ट्रेस करेंगे कि इस पे हमारी कम्प्लीटली वोल्टेज बनता है कि नहीं। अगर कम्प्लीटली वोल्टेज यहाँ से बनता है, तो उस कंडीशन पे हम चेक करेंगे कि हमारी CPU के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है माइक रिसीवर काम नहीं करता है, इस पे एक तो ऑडियो कोडेड IC भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी हम चेक करेंगे इस पे कहाँ से प्रॉब्लम है। तो पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं कि वो सेट को, सेट तो कम्प्लीटली ऑन हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ से हम वोल्टेज चेक करेंगे, ये जो वोल्टेज हमारी यहाँ से बनता है कि नहीं। ये देखिए, ये हमारी VDD 1.8 वोल्ट की लाइन, जो कि हमको यहाँ से कम्प्लीटली मिल रहा है, और यहाँ से 1.3 वोल्ट की लाइन, जो कि यहाँ से भी कम्प्लीटली मिल रहा है, और यहाँ से हमारी ये दो लाइन हमारी कम्प्लीटली मिल रहा है, और एक यहाँ से VDD 3.3 वोल्ट की लाइन। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी VDD 3.3 वोल्ट की लाइन यहाँ से मिसिंग नज़र आ रहा है, यहाँ से 3.3 वोल्ट की लाइन यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से नहीं आ रहा है VDD 3.3 वोल्ट की लाइन। तो यहाँ से हमको चेक करना है कि ये VDD 3.3 वोल्ट की लाइन अगर हमारी पावर IC शॉर्ट होगी, या फिर पावर IC से ये नहीं आ रहा होगा, तो उस कंडीशन पे ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ से हमारी
ये जो लाइन है इसका जीआर वैल्यू आ रहा है कि नहीं, इसका जीआर वैल्यू अगर आ रहा होगा तो उस कंडीशन पे ये क्या प्रॉब्लम है इसको चेक करेंगे। यहाँ से चेक करेंगे हमारी माइक का पॉजिटिव लाइन शायद ओके है, ये हमारी बास लाइन जो कि यहाँ से कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि यहाँ से भी कुछ वोल्टेज शायद यहाँ से हमको कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि माइक का बायस का पिन पर यहाँ से कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ से हम जो ऑडियो कोडेड की आईसी है उसका जीआर वैल्यू चेक करेंगे, उसका जीआर वैल्यू सही है कि नहीं, जो हमारी वीडीडी 3.3 वोल्ट की लाइन को हम जीआर वैल्यू चेक करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ से हम मल्टीमीटर को डैड मोड में सेट कर लेंगे, और डैड मोड में सेट करने के बाद यहाँ से हम फिर एक बार इसको चेक करेंगे, ये जो वीडीडी 3.3 वोल्ट का लाइन ये हमारी ओके है या नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी वीडीडी 3.3 वोल्ट की लाइन यहाँ से कम्प्लीटली शॉर्ट नज़र आ रहा है। जी दोस्तों, यहाँ से हमारी वीडीडी 3.3 वोल्ट की लाइन यहाँ से शॉर्ट नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ से शॉर्ट नहीं होना चाहिए हमारी वीडीडी 3.3 वोल्ट की लाइन। तो यहाँ से हम एक बार वो जो कैप है इसको चेक करेंगे, और ये दोनों कैप से कहीं कैप हमारी शॉर्ट है या नहीं है, और दोनों कैप से अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होगा तो उस टाइम से हम पावर एसी के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से जब तक हमारी 3.3 वोल्ट का लाइन यहाँ से कम्प्लीटली नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हमारी जो माइक और रिसीवर दोनों काम नहीं करेगा। हम एक एक कैपेसिटर को ओपन करके चेक करेंगे, अगर दो कैपेसिटर से एक भी कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो इस तरह से दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से फिर एक बार हम यहाँ से जीआर वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि एक कैपेसिटर को तो हमने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों इसको चेक करेंगे, इसका जीआर वैल्यू ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी जो वीडीडी 3.3 वोल्ट की लाइन यहाँ से शॉर्ट नज़र आ रहा था, वो कम्प्लीटली हमको लग रहा है कि ये कैपेसिटर ओपन की वजह से, कैपेसिटर शॉर्ट की वजह से इस तरह से दिक्कत है। और दोस्तों ये कैप को चेक करेंगे, ये देखिए ये कैप हमारी शॉर्ट की वजह से हमारी इस तरह से दिक्कत है, जो कि आपकी रिंगर वर्क करेगी और हमारी लाउड स्पीकर वर्क नहीं करेगी, और हमारी माइक और हमारी रिसीवर वर्क नहीं करेगी, और हमारी YouTube वगैरह में भी कुछ भी साउंड नहीं आएगी, क्योंकि हमारी मीडिया वर्क नहीं करेगी इस कंडीशन पे। अगर ये कैप शॉर्ट होगा और अगर 3.3 वोल्ट इस आईसी को नहीं मिलेगी, हमारी ऑडियो कोडेड आईसी को, तो इस तरह से दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों हम मोबाइल को चेक करेंगे, ये मोबाइल हमारी जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सक्सेसफुल रिमूव हो गया या नहीं। ये कैपेसिटर को हम बाद में लगा देंगे, कोई इशू नहीं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ से हमारी 3.3 वोल्ट की लाइन अभी प्राप्त हो रही है कि नहीं। अगर 3.3 वोल्ट की लाइन यहाँ से आ गया तो मुझको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो अब दोस्तों यहाँ से फिर एक बार हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ से जो वीडीडी 3.3 वोल्ट की लाइन जो हमारी शॉर्ट नज़र आ रहा था वो सक्सेसफुल रिकवर हो गया या नहीं हुआ। यहाँ से 3.3 वोल्ट की लाइन आ रहा है कि नहीं इसको चेक करेंगे। सेट तो ऑन हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ से वीडीडी 3.3 वोल्ट की लाइन जो हमारी शॉर्ट नज़र आ रहा था वो आ रहा है कि नहीं। फिर एक बार यहाँ से हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज में सेट कर लेंगे, और यहाँ से हम चेक करेंगे हमारी, ये देखिए 3.3 वोल्ट हमारी सक्सेसफुल यहाँ से आ चुकी है दोस्तों।
फिर भी एक बार हम कंफर्मेशन करने के लिए थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं कैमरे को। ये देखिए यहाँ से हमारी 3.3 वोल्ट की लाइन यहाँ से कम्प्लीटली आ चुकी है, जो कि वो कैपेसिटर शॉर्ट की वजह से यहाँ से हमारी 3.3 वोल्ट की लाइन नहीं आ रहा था, वो सक्सेसफुल आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे, दोस्तों यहाँ से जो प्रॉब्लम हमारी थी वो प्रॉब्लम सक्सेसफुल रिकवर हो गया या नहीं हुआ। जो हमारी रिंगर और माइक और हमारी मीडिया साउंड का जो ऑरेंज कलर लोगो था वो सक्सेसफुल रिकवर हो गया या नहीं हुआ, इसको चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम अभी चेक करते हैं। ये तो मोबाइल कम्प्लीटली ऑन है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि इस पे जो प्रॉब्लम था वो एक्चुअली रिमूव हो गया या नहीं हुआ। ये देखिए ये नोटिफिकेशन का जो साउंड है ऑलरेडी आ चुकी है, और इसका जो कीपैड का, ये देखिए ये कीपैड का साउंड और नोटिफिकेशन का साउंड आ गया है। अब दोस्तों यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि इसका जो मीडिया का साउंड ऑरेंज कलर आ रहा था वो सक्सेसफुल रिमूव हो गया या नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों ये मीडिया का साउंड हमारी पहले हम चेक कर रहे थे कि इसका साउंड हमको ऑरेंज कलर लोगो पे आ रहा था, ये देखिए ये अभी साउंड ओके हो गया, और ये नोटिफिकेशन भी ओके हो गया, और ये सिस्टम साउंड भी ओके हो गया। इससे हमको कंफर्मेशन हो गया है कि हमारी ऑडियो कोडेड आईसी है के पास हमको 3.3 वोल्ट की लाइन हमारी मिसिंग के वजह से इस तरह से दिक्कत था, और 3.3 वोल्ट की लाइन शॉर्ट की वजह से हमारी माइक और ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।